بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تجارة عن تراض منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أما بعد. दोस्तों, सबसे पहले आप सभी हज़रात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम को लेकर हाज़िर हुए हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने मामला सलफ़ के बारे में गुफ्तगू की थी और उसके अहकाम को और उसके शराइत को बयान किया था। मामला सलफ़ यानी वो मामला कि जिसमें कीमत पहले अदा कर दी जाए और जो चीज़ ख़रीदी गई है उसको बाद में लिया जाए। अब यहाँ पर हम उसी मामले के, उसी तिजारत के कुछ अहकाम बयान करेंगे और उसके बाद फिर सूद और ब्याज की तिजारत के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर चंद एक अहकाम बयान करना मकसूद है, जिनमें से सबसे पहला हुक्म ये है कि अगर किसी शख्स ने कोई चीज़ सलफ के तौर पर ख़रीदी है, यानी पैसा पहले अदा कर दिया है और जो चीज़ ख़रीदी है उसको बाद में अपने कब्ज़े में, अपने अंडर में लेगा, तो जब तक जो मुद्दत मुअय्यन की गई है, मिसाल के तौर पर मुद्दत मुअय्यन की गई है कि 3 महीने बाद उसको अपने कब्ज़े में लेगा, तो जब तक वो मुद्दत पूरी नहीं हो जाती तब तक इस ग्राहक को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो उस चीज़ को किसी दूसरे को बेच दे। लेकिन जब मुद्दत पूरी हो जाए तो चाहे उसने उस चीज़ को अपने कब्ज़े में लिया हो या ना लिया हो, उसको बेचने का हक हासिल है। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने एक मकान ख़रीदा और मकान के पैसे अदा कर दिए हैं, लेकिन मकान अभी नहीं लिया है और 3 या 6 महीने बाद अपने कब्ज़े में लेगा, तो इस मामले को मामले सलफ़ कहते हैं और इस तिजारत को सलफ़ के उन्वान से याद किया जाता है। अब ऐसी सूरत में जब तक ये मुद्दत पूरी नहीं हो जाती है, चाहे 3 महीने हो या 6 महीने हो या उससे कम और ज़्यादा, वो मुद्दत पूरी नहीं हो जाती है जो मुअय्यन की गई है कि इतनी मुद्दत में ये हम अपना सामान या अपनी चीज़, अपनी मिल्कियत, अपनी ज़मीन अपने कब्ज़े में ले लेंगे जो हमने ख़रीदी है, जब तक ये मुद्दत पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस ख़रीदार को, इस ग्राहक को ये हक़ हासिल नहीं है कि ये इसी सामान को किसी और के हवाले कर दे, किसी और को बेच दे। लेकिन जब मुद्दत पूरी हो जाती है तो चाहे इसने अपने इख्तियार में उस मकान को, उस ज़मीन को, उस चीज़ को ना लिया हो, तब भी इसको हक़ हासिल है कि किसी दूसरे को बेच दे। ये पहला मसला। दूसरा मसला ये है कि जो इंसान सलफ़ के तौर पर किसी चीज़ को बेच रहा है, अगर वो मुद्दत मुअय्यन पर, यानी जब मुद्दत हो मुअय्यन हो जाए, कीमत पहले ले चुका है लेकिन अब मुद्दत आ गई है उस सामान को देने की जिसने ख़रीदा है उसको, तो जिस वक्त वो उस चीज़ को दे रहा है, अगर वो जो चीज़ मुअय्यन की गई थी ख़रीदारी के वक्त उसके अलावा कोई और चीज़ देता है, या वही चीज़ देता है लेकिन जिस कीमत की चीज़ मुअय्यन की गई थी उससे कम कीमत की चीज़ ग्राहक को देता है, तो ऐसी सूरत में जो है वो ग्राहक जो है उसको हक़ हासिल है कि वो उसकी चीज़ को कबूल ना करे और मामले को ख़त्म कर दे। लेकिन अगर उसी पर राज़ी हो जाए जो बेचने वाला दे रहा है तो भी मामले में कोई इश्काल नहीं है और ये तिजारत सही है। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने दूसरे इंसान को मिसाल के तौर पर कोई चावल बेचा, 10 किलो चावल, अच्छा वाला चावल जिसकी कीमत जो है वो ज़्यादा है, और मामला तय हो गया और ग्राहक ने जो है वो पैसे अदा कर दिए हैं,
लेकिन तय ये हुआ है कि चावल जो है वो 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद अपनी तहवील में और अपने कब्ज़े में लेगा। लेकिन जब लेने का वक्त आता है तो बेचने वाला उसको चावल के बजाय गेहूँ दे देता है, तो इस सूरत में ग्राहक चाहे तो मामले को बातिल कर सकता है और अपने पैसे वापस ले सकता है। या ये कि गेहूँ नहीं देता है, चावल ही देता है, लेकिन इसने महंगे वाले चावल ख़रीदे थे, महंगे चावल की कीमत दी थी, लेकिन ये सस्ते वाले चावल लाकर इसको दे रहा है, तो ऐसी सूरत में भी ये ग्राहक मामले को बातिल कर सकता है, तोड़ सकता है और अपने पैसे वापस ले सकता है। लेकिन अगर दोनों सूरतों में ग्राहक जो है राज़ी हो जाए कि ठीक है जो आप दे रहे हैं हम उसी को कबूल कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में तिजारत सही है और इंसान चाहे तो उसी पर राज़ी हो सकता है और शरई एतबार से कोई इश्काल नहीं है। तीसरा मसला यह है कि जिस चीज़ को बेचा गया है सलफ़ के तौर पर, यानी कीमत पहले अदा कर दी गई है, लेकिन सामान या चीज़ या मिल्कियत जो भी है वो बाद में ली जाएगी, अगर जो मुद्दत मुअय्यन की गई है देने के लिए उस मुद्दत में वो चीज़ नायाब हो जाए, कमयाब हो जाए, यानी वो चीज़ असलन बाज़ार में मार्केट में नज़र ना आए, तो ऐसी सूरत में जो है और उसको मुहैया भी ना किया जा सके, कहीं से तैयार भी ना किया जा सके, ना लाया जा सके, तो इस सूरत में जो है वो ग्राहक मामले को तोड़ सकता है और ये भी कर सकता है कि इंतज़ार करे यहाँ तक कि वो चीज़ मुहैया हो जाए। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने किसी से आम ख़रीदे और पैसे अदा कर दिए हैं, मुद्दत बाद में रखी है कि बाद में हम आपसे आम ले लेंगे, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि आम जो लेने की मुद्दत मुअय्यन की थी वो आम की फ़सल से भी मुआफिक थी, यानी ऐसा वक्त मुअय्यन किया था कि जिसमें आम की फ़सल लगती है, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि उस साल जो है वो आम की फ़सल अच्छी नहीं हुई या ख़राब हो गई या कोई भी ऐसी मुश्किल पेश आ गई कि जिसकी वजह से आम नायाब हो गया है, तो ऐसी सूरत में ग्राहक को हक़ हासिल है कि वो इस ख़रीद और फरोश को, इस मामले को बातिल कर दे या इसी तरीके से जो है वो इंतज़ार करे ताकि जो है वो आम मुहैया हो जाए और बेचने वाला ग्राहक के हवाले कर सके। أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي। ये तीन हुक्म थे जो मामले सलफ़ के मुतालिक थे जो हमने आपके सामने बयान किए। अब इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे मामले रबवी के बारे में, यानी सूद वाली तिजारत, ब्याज वाली तिजारत। देखें, ब्याज जो है वो दो तरह का होता है, एक तो तिजारत में ब्याज होता है और एक कर्ज़ में होता है, यानी सूद या तो तिजारत में होता है या कर्ज़ में होता है। कर्ज़ में जो सूद है वो सब जानते हैं, मिसाल के तौर पर सूद कर्ज़ में इस तरीके से होता है कि किसी को 10,000 रुपये कर्ज़ दें और उससे जो है वो जब तक वो हमारे कर्ज़ को वापस ना करे तब तक जो है वो माहाना उस 10,000 पर कुछ लेते रहें। मिसाल के तौर पर 10,000 कर्ज़ दें और उससे कहें कि जब तक आप हमारे कर्ज़ को अदा नहीं करते तब तक आपको हर 10,000 रुपये के ऊपर हमको 1,000 रुपया या 500 रुपया देना पड़ेगा, या इस तरीके से दे के 10,000 रुपया हम आपको दे रहे हैं लेकिन जब आप इसको वापस करेंगे मिसाल के तौर पर 6 महीने बाद या 1 साल बाद तो आप हमें 10,000 के बजाय 12,000 रुपये देंगे। इसको कहते हैं सूद कर्ज़ में। लेकिन एक होता है तिजारत में सूद। तिजारत में सूद किस तरीके से होता है? तिजारत में सूद इस तरीके से होता है कि इंसान किसी से कोई चीज़ ले और उसके बदले में उसको कोई चीज़ दे, लेकिन दोनों में से एक इंसान वो ज़्यादा ले, यानी बेचने वाला कम दे और ज़्यादा ले, या दूसरा इंसान इसी तरीके से कम ले और ज़्यादा दे, इसको जो है वो ब्याज कहा जाता है। और इसकी दो शर्तें हैं, अगर दोनों शर्तें पाई जाती हैं तो ब्याज सही है, यानी इसको ब्याज और सूद का मामला कहा जाएगा, लेकिन अगर ये दो शर्तें मौजूद ना हो तो फिर उस तिजारत को सूद वाली तिजारत नहीं कहा जाएगा। वो दो शर्तें क्या हैं? वो दो शर्तें ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो
दो चीज़ें आपस में दो लोग लेन देन कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें आम तौर पर एक ही जिन्स की मानी जाती हों। मिसाल के तौर पर गेहूँ देकर गेहूँ लेना, चावल देकर चावल लेना, मूंजी देकर मूंजी लेना, धान देकर धान लेना, या इसी तरीके से एक ही तरह के फल देकर फल देना। इन सब अगर ऐसा कर रहा है और कम दे रहा है, ज़्यादा ले रहा है, मिसाल के तौर पर 10 किलो गेहूं देता है और उसके बदले में 11 किलो गेहूं लेता है, तो इसको सूद कहते हैं और ब्याज कहते हैं। दूसरी सूरत ये है, दूसरी शर्त ये है कि जिन चीज़ों को लेन देन किया जाता है और तिजारत किया जाता है, वो या तो तोलने वाली हो, यानी उनको तोला जाता हो, वज़न किया जाता हो, 1 किलो 2 किलो, जैसा कि आमतौर पर चावल गेहूं सेब और सब्जियां अक्सर जो हैं वो तोल कर बेची जाती हैं, या फिर उनको नापा जाता हो, जैसे कि दूध लीटर से नापा जाता है, या इसी तरीके से ज़मीन वगैरह पैमाने से नापी जाती है और मीटर और गज़ के ज़रिए से। लिहाजा अगर 10 मीटर ज़मीन देकर 11 मीटर ज़मीन ले तो ये ब्याज में शुमार होगा। दोस्तों, ये दो शर्तें थीं कि जिनके साथ अगर तिजारत में ये शर्तें पाई जाती हैं तो वो तिजारत जो है वो सूद वाली तिजारत है और हराम है। यानी जो चीज़ें लेन देन की जा रही हैं दोनों एक ही जिन्स की हों, जैसे गेहूं देकर गेहूं लेना, 10 किलो गेहूं देना और 11 किलो गेहूं लेना। दूसरे ये कि जो चीज़ बेची लेन देन की जा रही है वो दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं या तो वज़न किया जाता हो या फिर उनको नापा जाता हो। अब यहाँ पर हम कुछ अहकाम बयान करेंगे मामले रबवी के सिलसिले में, यानी सूद वाले मामले के सिलसिले में, जिनमें से सबसे पहला हुक्म ये है कि अगर कोई चीज़ देकर, अगर कोई चीज़ किसी को हम दे रहे हैं और उसको तोला जाता है या नापा जाता है और उसके बदले में वही चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, उससे ज़्यादा ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर 10 किलो गेहूं दे रहे हैं और उसके बदले में उससे 11 किलो गेहूं ले रहे हैं, तो फुकहा और मराजे फरमाते हैं कि ये सूद भी है और हराम भी है, यानी ऐसी तिजारत बातिल है और अगर कोई इंसान करता है तो उसने गोया हराम काम किया है। यहाँ तक कि जो गेहूं हम ले रहे हैं, हमारा गेहूं अच्छा हो, हमारा गेहूं साफ़ हो, और जो इंसान हमको गेहूं दे रहा है उसका गेहूं साफ़ ना हो, या उसका गेहूं ज़्यादा अच्छा वाला ना हो, या हम अगर चावल दे रहे हैं 10 किलो हमारे चावल ज़्यादा अच्छे हों और उससे जो 12 किलो चावल ले रहे हैं उसके चावल ज़्यादा अच्छे वाले ना हो, हमारे चावल की कीमत ज़्यादा हो उसके चावल की कीमत कम हो, तब भी फुकहा फरमाते हैं कि अगर चावल के बदले में चावल लेन देन कर रहे हैं, गेहूं के बदले में गेहूं लेन देन कर रहे हैं, तो चाहे एक में ऐब पाया जाता हो, एक की कीमत कम हो, एक की ज़्यादा हो, एक अच्छा हो, एक में कोई ऐब मौजूद हो, तब भी जो है वो ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। अगर ज़्यादा लेते हैं तो वो रिबा भी है, यानी सूद भी है और हराम भी है। अब यहाँ पर चंद एक मिसालें हम आपके सामने पेश करते हैं कि जिनको सूद की तिजारत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान एल्युमिनियम की कोई चीज़ बनी हुई किसी चीज़ बनी हुई चीज़ को खाली एल्युमिनियम के साथ जो है वो लेन देन करता है, यानी एक तरफ तो कोई चीज़ बनी हुई है, कोई देग है, कोई पतीली है, और दूसरी तरफ खाली एल्युमिनियम है, कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन दोनों को चूँकि वज़न किया जाता है, अब ये जो है वो जो ख़राब है या पुरानी पतीलियां हैं या खाली एल्युमिनियम है उसको देता है, और मिसाल के तौर पर 1 किलो देता है और आधा किलो की पतीली नई पतीली उससे ले लेता है, तो फुकहा और मराजे फरमाते हैं कि ये सूद भी है और हराम भी है ये तिजारत, यानी ऐसी तिजारत नहीं करना चाहिए। दूसरे एक इंसान जो है वो आला किस्म के चावल देता है और उसके बदले में कम कीमत के चावल जो है जिनकी अहमियत कम है उनको लेता है और 10 किलो देकर मिसाल के तौर पर 12 किलो लेता है, तो ये हराम है और सूद है। इसी तरीके से कोई इंसान सादा सोना सिक्के के तौर पर या बिस्किट के तौर पर किसी जवाहरी को देता है और उससे कोई अंगूठी लेता है या कोई गले का हार लेता है, लेकिन
देता ज़्यादा है और लेता कम है, ये भी सूद है और ऐसा मामला नहीं करना चाहिए। या इसी तरीके से कोई इंसान अगर देसी घी किसी को देता है और उसके बदले में उससे पनीर लेता है, और मिसाल के तौर पर 1 किलो देसी घी देता है और 2 किलो पनीर ले लेता है, या 1 किलो देसी घी देता है और 1.5 किलो क्रीम ले लेता है, तो ये मामला भी जो है वो सूद है और हराम है। ऐसे मामले को नहीं करना चाहिए, ऐसी तिजारत नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि जनाब, ये तो सबको मालूम है कि देसी घी की कीमत जो है वो पनीर से ज़्यादा है और देसी घी की कीमत जो है वो क्रीम से ज़्यादा है। इसी तरीके से चावल जो आला दर्जे का है उसकी कीमत जो है वो कम दर्जे के चावल से ज़्यादा है, या इसी तरीके से जो सोना बना हुआ है जिसकी अंगूठी बनी हुई है या हार बना हुआ है उसकी कीमत जो है वो सादे सोने से ज़्यादा है, फिर इसको रिबा और हराम क्यों कहा गया है और इससे बचने का क्या तरीका है? तो दोस्तों, इससे बचने का ये तरीका है कि अगर हम किसी से एक ही चीज़ का लेन देन करना चाहते हैं, चावल का चावल से, गेहूं का गेहूं से, सोने का सोने से या घी का पनीर से, तो इसकी सूरत ये है कि हम बजाय इसके के उससे गेहूं देकर गेहूं लें, हमारे गेहूं की कीमत ज़्यादा है उसके गेहूं की कीमत कम है, तो बजाय इसके कि हम उससे गेहूं दें और उससे गेहूं लें, 10 किलो दें, 12 किलो लें, इसके बजाय हम ये कर सकते हैं कि उसको अपना गेहूं बेचें और हमारे गेहूं की जो कीमत हो उस कीमत के गेहूं उससे ले लें। अब जो हमारे गेहूं की कीमत है, जो हमारे गेहूं के पैसे हैं जो हमने उसको बेचा है और जो पैसे हमको मिले हैं, उस पैसे में चाहे 10 किलो गेहूं आए या 12 किलो गेहूं आए, हम ले सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने यहाँ अपने गेहूं को बेचा है, उससे पैसे लिए हैं और फिर उसको पैसे देकर उसके गेहूं को ख़रीदा है। यहाँ पर हमने जो है वो गेहूं को गेहूं से नहीं बदला है। इसी तरीके से जो है अगर कोई सोने से सोना बदलना चाहता है तो वो पहले अपने सोने के बिस्किट को बेचे और फिर उस पैसे से जो बिस्किट को बेचकर पैसे हासिल हुए हैं उस पैसे से अंगूठी खरीद ले। अब चाहे वो सोने की मकदार से, जो हमारा सोने का बिस्किट था उससे कितना भी कम हो, लेकिन चूंकि हमने सोने को सोने से नहीं ख़रीदा है बल्कि बिस्किट को बेचकर उससे जो पैसे मिले हैं उससे दूसरे सोने को ख़रीदा है, लिहाजा ना ये सूद है और ना ही हराम है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम तमाम होता है, फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم فأنت عارف.